जी अरमान बिन चंद शाह मरहूम अल्लाह नबी बुजुर्गों की कब्र नूर अल मुनव्वर फरमाए। अरमान बच्चा मेरी आवाज सुन रहा है, वो भी स्टेज पर तशरीफ ले अपना इनाम हासिल करो। रफाकत बिन रियासत रियासत अली डोगर वो बच्चा भी स्टेज पे आ के अपना नाम मसूल करे। जैन बिन मोहम्मद हुसैन डोगर वो बच्चा मेरी आवाज सुन रहा है, वो भी अपना नाम मसूल करे। उस तो बाद मनाहिल बिनते अब्दुल सलाम खां मनाहिल बिनते अब्दुल सलाम खां ओ बच्ची छोटी है आ जाए बड़ी उनका भाई उनके वालिदैन नाम मसूल कर लें। अनम बिन बिनते जवेद खां ओ बच्ची भी अपना नाम मसूल कर ले। यास्मीन बिनते मलिक बूटा वो बच्ची भी अपना नाम मसूल चला जाए उतो मस्जिद का तकद्दस इस्तेमाल न करें, अल्लाह का घर है। और शेख साहब इनाम बच्चों को तकसीम कर रहे हैं, आप लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। जी यास्मीन बिनते मोहम्मद बूटा खदीजा बिनते मलिक मोहम्मद बूटा वो बच्ची भी अपना इनाम वसूल कर ले। रमजाना बिनते इब्राहिम खां वो भी बच्ची अपना इनाम वसूल कर ले। अनिशा बिनते अरफान डोगर वो बच्ची भी अपना इनाम वसूल कर ले। आमना बिनते शाहिद हां वो बच्ची भी अपना इनाम वसूल कर ले। बड़ी खुशकिस्मती है वालिदैन की जो माशाल्लाह शाह साहब के हाथों इनाम वसूल कर रहे हैं। शाह साहब का टाइम लेने के लिए लोग तरसते हैं और इसी वजह से अब्दुल खान साहब को कह रहे थे पता नहीं उन्होंने आना है या नहीं आना। और माशाल्लाह खुशकिस्मत वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन शेख साहब के हाथों इनाम वसूल कर रहे हैं। समरा बिनते जब्बार डोगर वो बच्ची भी अपना इनाम वसूल कर रही है। अमन बिनते असलम हाँ वो बच्ची भी अपना इनाम वसूल कर ले। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हम कहते हैं चौधरी सरदार एमपीएमएन ने वो कामयाब है, बेहतरीन है, अच्छा है। अल्लाह का कुरान क्या है?